थोड़ी देर में बीजेपी महिला सांसदों का दल भीलवाड़ा के कोटड़ी पहुंचा है। नाबालिग लड़की का अपहरण, सामूहिक बलात्कार और भट्टी में जलाकर हत्या का ये पूरा मामला है, इसमें बीजेपी लामबंद है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, आप लॉकेट चटर्जी को देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस दल में शामिल हैं, वो भी पहुंची हुई हैं। साथ ही साथ में जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसका दल जो है वो सांसद सरोज पांडे को भी आप देख सकते हैं, रेखा वर्मा, कांता कदम, लॉकेट चटर्जी इसमें शामिल हैं। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। आप विष्णु, तमाम जो दल है महिला सांसदों का बीजेपी के, वो पहुंच चुकी हैं, क्या तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्या बातचीत? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो चारों सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पूरा दल उनके साथ, और इसके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी और महिला मोर्चा की अन्य तमाम पदाधिकारी उनके साथ पहुंची है यहाँ पर। और अब चारों सांसद जो पीड़िता है, मृतका है, उसके पिता और भाई से पूरी घटनाक्रम की जानकारी ले रही है और पूरे किस तरह से एक पूरा घटनाक्रम हुआ, ये जो नृशंस वारदात हुई वो इस तरह की अपनी इकलौती वारदात है इस तरह के पूरे इलाके में, इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि महिला सांसद है वो लगातार बातचीत कर रही है पीड़ित परिवार से, उसे ढांढस बना रही है, ढांढस बनाने के साथ ही उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रही है। बताया जा रहा है कि घटनाक्रम इस तरह का है कि जब पीड़िता जो है बालिका, वो यहाँ बकरियां चराने गई थी और उस दौरान ये पूरा जो दोनों आरोपी हैं उन्होंने इनके साथ रेप किया और उसके बाद परिजनों को बताया और सारे मिलके और उसकी बॉडी को पहले तो काटा उन्होंने अंग से और उसके बाद भट्टी में जला दिया। जब पूरे परिवार वाले ढूंढने निकले, पहले उसकी मां निकली पीड़िता की और उसके बाद पूरे परिवार वाले निकले, तो वहां वो उनके साथ नाटक करते हुए दिखाई दिए। जिसके बाद जब ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे तो वहां बताया जा रहा है कि इनकी SIR नहीं लिखी गई, इस बात की जानकारी भी ये यहाँ महिला सांसदों को दी जा रही है और लगातार महिला सांसद उनसे पूरी जो घटनाक्रम है तफसील से उसकी जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की ओर से पूरा जो महिलाओं का दल है ये गठित किया गया और ये दल पूरी घटनाक्रम की जानकारी लेगा, पीड़ित परिजनों से बातचीत कर रहा है, इसके अलावा यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत करेगा, मौके का मुआयना करेगा और उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को सौंपेगा। इससे पहले अभी कुछ देर पहले जब यहाँ ये दल पहुंचा तो उन्होंने मृतका है उसके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद अब सीधी तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि वो बातचीत कर रहा है मृतका है उसके पिता से और साथ में जो चचेरा भाई है उससे पूरी जानकारी ली जा रही है तफसील से, आप देख सकते हैं। जाहिर तौर पर तस्वीरें दिख भी नहीं है, कोटड़ी पहुंचा है सांसदों का दल और बातचीत इस वक्त यहाँ पर चल रही, श्रद्धांजलि भी दी गई है और ये जो घटना हुई है जाहिर तौर पर उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है और बीजेपी ने भी अपना दल जो है महिला सांसदों का यहाँ पर भेजा है जो इस वक्त परिवार से बातचीत कर रहे हैं। बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।